किद्दा हो सारे, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सागर मुद्रेजा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्मार्ट वॉच लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर बहुत तगड़े फीचर देखने को मिलते हैं और वो आपको सिर्फ 2000 के अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गिज़मो की नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है प्लाज्मा। इस स्मार्ट वॉच में आपको तगड़ी डिस्प्ले के साथ साथ तगड़े फीचर देखने को मिलेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस स्मार्ट वॉच को पहन के बैठा हूँ और इसको मैं एक दिन से यूज कर रहा हूँ, तो एक दिन यूज करने के बाद मैं आपके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी जो फैमिली है उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले इसके बॉक्स की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक और ऑरेंज की कॉम्बिनेशन में इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको गिज़्मो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ में जो इस वॉच का नाम है दैट इज प्लाज्मा वो यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। फ्रंट में, साइड में और पीछे की तरफ आपको काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई दिख जाएंगी, वो कम्प्लीटली मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसके बॉक्स कंटेंट की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ये वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, इसके अलावा एक ये चार्जिंग के लिए केबल देखने को मिलती है और ये आती है अपना मेन आइटम दैट इज गिज़्मो प्लाज्मा स्मार्ट वॉच। गिज़्मो प्लाज्मा के अगर हम लुक एंड बिल्ड की बात करें तो ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी हद तक प्रीमियम स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है, बिकॉज इसमें जो मेटल फ्रेम है वो इसकी जो लुक्स है, इसकी जो बिल्ड है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। इसके अलावा इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो भी आपको काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिमूवेबल है, चेंजेबल हैं। अगर आपको मार्केट में अच्छे स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हो आराम से। बाकी इस स्मार्ट वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको साइड में दो बटन देखने को मिलते हैं, एक तो है क्राउन बटन जो कि पूरी तरीके से वर्किंग है और इसको काफी अच्छी तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और बटन देखने को मिलता है जिससे आप इसमें जो स्पोर्ट्स मोड है उसके जो सेक्शन में जा सकते हो। इसके अलावा एक माइक देखने को मिलता है और दूसरी साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है, और पीछे की तरफ आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिलते हैं, साथ में प्लास्टिक क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इसके प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको बहुत बड़ी 1.9 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और अच्छे रेजोल्यूशन वाली 240x280 रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में इसमें आपको 550 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो आपको आउटडोर वगैरह में भी इसकी विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ इस पे लगा है 2.5D कर्व ग्लास जिसकी वजह से ये जो डिस्प्ले है इसकी स्मूथनेस और अच्छी हो जाती है। चलो स्मूथनेस की बात हुई है तो इसके UI की बात कर लेते हैं कि आपको इसको यूज करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलने वाला है। अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो आपको काफी सारे क्विक टॉगल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बैटरी का, कॉलिंग का, नाइट मोड का, सेटिंग्स का, माइक का, और मतलब काफी सारे आपको टॉगल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर आपको जो रीसेंट ऑप्शंस हैं, जो रीसेंट आपने यूज़ करे हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट, स्टेप्स का और SpO2 वगैरह का जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके बाद ये जो क्रोम बटन है इसको आप काफी तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो बैक आने के लिए यूज कर सकते हो, और अगर आप मेन स्क्रीन पे हो तो इसको प्रेस करोगे तो ये जो मेन्यू है वो खुल जाएगा और मेन्यू के भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लिस्ट का, ग्रिड का, हनीकॉम का, काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये आप वॉच से ही चेंज कर सकते हो। और ये जो क्रोम बटन है अगर आप मेन स्क्रीन पे हो, अगर आप इसको घुमाओगे तो ये वॉच फेस चेंज हो जाएंगे, और जैसे कि अगर ये नीचे वाला जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करोगे तो स्पोर्ट्स मोड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो अपने क्रोम के थ्रू। अब स्पोर्ट्स मोड की बात चली है तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 30+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, और पेडोमीटर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये मेजर करता है, अगर आप चलते हो और साथ में गिनते हो, अपने मुँह जुबानी गिनते हो अगर स्टेप्स को, तो ये 3-4 का फर्क आता है, इतना तो आपको नॉर्मल हर वॉच में देखने को मिल जाता है, बाकी इसका जो पेडोमीटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर ऑफ गिज़्मो प्लाज्मा दैट इज ब्लूटूथ कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, और साथ में जो AI वॉइस है उसका भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है,
और ब्लूटूथ कॉलिंग को मैं पूरे एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ और सारी जो कॉल्स वगैरह है वो मैंने वॉच से ही कनेक्ट करी है जहाँ पर मैं कर सकता था। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एक मैं आपको छोटा सा नमूना भी सुना देता हूँ। हेलो, हाँ भाई सोनू, क्या कर रहा है भाई? टीवी देख रहा हूँ, बता। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? क्या नया फोन लिया है? ये ईयरफोन नहीं, वॉच। वॉच से बात कर रहा है? हाँ। अरे वाह, कौन सी? गिज़्मो प्लाज्मा। तो ये बता कैसी क्वालिटी आ रही है, मतलब वॉच के हिसाब से आ रही है या फोन के हिसाब से आ रही है? हाँ वो तो हम बाहर खड़े ना इसलिए। तेरी आवाज जो है वीडियो में आने वाली है। चल कोई गल नहीं, बट सही है भाई, वॉइस क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हाँ वाह यार, बोल दे वाह यार। वाह यार, तो भाई ये बोल मत ना, फिर से रिकॉल कर, फिर से बोलेंगे। फिर से कॉल कर, फिर से बोलेंगे। गिज़्मो और प्लाज्मा के कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसके थ्रू आप हार्ट रेट, SPO2 वगैरह तो आप मेजर कर सकते हो, स्लीप मॉनिटर भी आपको देखने को मिल जाता है, बट इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, दैट इज ब्लड प्रेशर का। तो ये वॉच के थ्रू आप ब्लड प्रेशर वगैरह भी टेस्ट कर सकते हो, और मैंने हार्ट रेट और SPO2 को अपने जो ऑक्सीमीटर है उसके साथ टेस्ट करके देखा तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी रीडिंग देखने को मिलती है, एक आधे पॉइंट के आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर कोई सीरियस सिचुएशन है तो ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह पर रिलाय मत करा करो, अपना जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको जरूर यूज करा करो ये सारी चीजें मेजर करने के लिए। इस स्मार्ट वॉच में आपको कैलकुलेटर का भी फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आजकल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, और इसमें आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो हिंदी लैंग्वेज है वो अभी तक आई नहीं है, आई होप ये अपडेट के साथ आ जाए, बट इसमें आप काफी सारी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो इसका जो मेन्यू वगैरह है वो सब कुछ। एट लास्ट इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें जो ब्लूटूथ कॉलिंग का जो फीचर है अगर आप वो यूज नहीं करते हो तो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो आपको 6 से 7 दिन का देखने को मिल जाएगा। अगर इसका ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर यूज करते हो तो इसकी जो बैटरी है वो आपकी 1 से 2 दिन तक चलेगी, बाकी डिपेंड करेगा कि आप इस वॉच से कितनी कॉल्स अटेंड करते हो। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पे देखने को मिल जाएगी, इसका नाम है VFit, और ये जो एप्लीकेशन है वो आपको डिसेंट अच्छी देखने को मिलती है और काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसी से आप वॉच फेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो और इसमें आपको 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ इसमें आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो जिसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। तो ये जो गिज़्मो और प्लाज्मा है इसकी जो लॉन्च प्राइस है वो आपको सिर्फ 1800 रुपये देखने को मिलेगी, और इसका जो बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और 1800 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो डिस्प्ले है वो आपको बड़ी देखने को मिलती है, कैलकुलेटर का फीचर देखने को मिलता है, तो ओवरऑल आपको अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट गिज़्मो और प्लाज्मा स्मार्ट वॉच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज एफर्टलेसली।